सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ एंड हाउ टूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पाविन और आप देख रहे हैं टेक्टोस चैनल। इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इसमें आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी सारी MIUI के फीचर्स और एप्लीकेशन के बारे में जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले आप उसे जाइए सेटिंग में। सेटिंग में नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा एडिशनल सेटिंग करके। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाइए। एडिशनल सेटिंग में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। पहला है क्विक बॉल बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट्स, नोटिफिकेशन लाइट, हेडफोन सेटिंग्स, वन हैंड यूज़ और बाकी सारे फीचर्स। पहले देख लेते हैं क्विक बॉल के बारे में। क्विक बॉल के बारे में आपको जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे आईफोन में एक ऊपर छोटा सा आइकन रहता है, उसमें से आपको सारे शॉर्टकट्स मिल सकते हैं। तो इसको एनेबल करने के लिए पहले क्विक बॉल और सेटिंग को एनेबल कर लीजिए। जैसे आप एनेबल करोगे तो आपको स्क्रीन पे यहाँ से छोटा सा एक ब्रैकेट जैसा आइकन दिखेगा जिसमें आपको सारे शॉर्टकट्स मिल सकते हैं। जो पहला शॉर्टकट्स है वो है वॉम, मतलब कि आपको इसके जैसे करोगे तो आपको होम बटन होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको कोई फिजिकली बटन को टच नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है मेनू, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपको रिसेंट एक्टिव वाला स्क्रीन खुल जाएगा जहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह का स्क्रीन। और तीसरा है लॉक स्क्रीन, जैसे यह करोगे आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। चौथा है कटर जैसा आइकन दिख रहा है, उसके कैंची जैसा आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर करोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी के भी फिजिकल बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। जैसे मैंने किया तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसने और सेव कर लिया। और पांचवा बटन है जो बैक आइकन है। जैसे मैं इस बैक पर आइटम का करूँगा तो मुझे प्रीवियस स्क्रीन पर ले जाएगा। आपको किसी फिजिकल बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ये था क्विक बॉल सेटिंग। क्विक बॉल सेटिंग में आप हाइड ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। तो जैसे अंदर जाओगे तो सब एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन ओपन है तब इसको हाइड करना है उसके लिए है, ठीक है। और मूव असाइड व्हेन फुल स्क्रीन, इसके मतलब क्या है कि फुल स्क्रीन में ये साइड में रहेगा ऐसा। उसके बाद का सेटिंग है जो बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट। तो जैसे जाओगे तो इतने यहाँ पे इतने सारे आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे। पहला है लॉन्च कैमरा। लॉन्च कैमरा जैसे ही आप अपना डिवाइस के पावर बटन को दो बार बटन दबाएंगे तो कैमरा ऐप एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगी। अगर उसके बाद है टैग स्क्रीनशॉट विथ 3 फिंगर्स। जैसे आप इस सेटिंग्स को एनेबल करोगे तो जैसे आप 3 उंगली स्क्रीन पे स्वाइप करोगे तो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा तुरंत ही। देख लीजिए इस तरह से टर्न ऑफ स्क्रीन, इसके लिए कोई सेटिंग नहीं है। ये गूगल असिस्टेंट, गूगल का असिस्टेंट है जो वर्चुअल असिस्टेंट, वो आपके होम बटन के लॉन्ग प्रेस करने से एनेबल हो जाएगा और आप बोलकर कुछ भी कर पाओगे। टॉर्च, टर्न ऑन टॉर्च, लॉन्ग प्रेस मेनू ऑन द लॉक स्क्रीन। ऐसे ही आप मेनू बटन को प्रेस करोगे तो ये सेटिंग से ये अच्छा है सेटिंग। इस सेटिंग से जैसे ही आपकी अगर स्क्रीन लॉक है और मेनू बटन को दबाओगे तो टॉर्च ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, आपको किसी बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतने सारे एडिशनल सेटिंग्स के बारे में। अब दूसरा सेटिंग्स जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। इसके लिए आपको डेवलपर मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे जो शॉर्ट ऐप्स का मतलब है कि जो अभी आपको यहाँ पे एक इस बबल तरीका दिखा रहा है वो बबल आपको दिखेगा जहाँ पे भी आप स्क्रीन पे टच करोगे। जैसे कि अगर 2 फिंगर से करोगे तो 2 बबल दिखेंगे, इसे पता चलेगा कि आपने कहाँ पे टच किया है, ठीक है। ये हो गया आपका एक बटन। और ये कई बहुत ही अच्छा फीचर्स MI वाले दे रहे हैं जो MI मूवर्स करके
एम आई मोर से क्या होगा, अगर आप अभी एक एम आई का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और अभी अभी अपने नया परचेज़ किया है, तो आपका पूरा डेटा जो है वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से लेना है तो एम आई मोवर से आप कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो काफ़ी सारे एंड्रॉयड डिवाइस में आपको नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एम आई के डिवाइस में ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एम आई के सारे फ़ोन्स में आपको इनबिल्ट एप्लीकेशन एपलॉक मिल जाता है जो आपके काफ़ी सारे प्राइवेट एप्लीकेशन को लॉक करने में काम देता है। इसके लिए आपको कोई एडिशनल एपलॉक यूज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ देख दोस्तों, देख लीजिए, देखते हैं एक किस तरह से काम कर रहा है। जैसे गया तो मेरे ऑलरेडी पासवर्ड सेट कर चुका हूँ, तो मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ और मैंने अब मेरी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक कर दिए। और अब भी अपनी एप्लीकेशन को भी लॉक कर सकते हो, जैसे कि समझो कि अभी मैंने इंस्टाग्राम मेरा लॉक कर रहा हूँ, तो जैसे ही कभी कभी आप इंस्टाग्राम पे जाओगे कोई भी आपका इंस्टाग्राम ओपन नहीं कर पाएगा जब तक आप पैटर्न से नहीं करो। एक भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है ए ड्यूअल एप्स। ड्यूअल एप्स अभी काफ़ी सारे फ़ोन्स में आपको मिल रहा है, लेकिन एम आई के सारे डिवाइस में आपको ड्यूअल एप्स का सेटिंग्स मिल सकता है, मिल रहा है। तो ड्यूअल ऐप में का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन आप दो बार यूज़ करें। अगर किसी को अपना फेसबुक अकाउंट, दो फेसबुक अकाउंट एक ही डिवाइस में यूज़ करना है तो यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो। अगर किसी को अपना दो व्हाट्सएप एक ही डिवाइस में एट द सेम टाइम यूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे चलो देख लीजिए, देख लेती है ये किस तरह से काम कर रहा है। चलो मैंने अपना कर लिया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएटिंग ड्यूअल ऐप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया टर्न ऑन गूगल सर्विस, मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, फिर से एक बार पूछा, ऑन कर दिया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लास्ट में एक नया व्हाट्सएप दिख गया जो अब पूरी तरह से ड्यूअल ऐप में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है एम आई के यूज़र्स को। एम आई के डिवाइस में आपको एक अलग से दूसरा फीचर्स मिल रहा है जो है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग का जैसे करोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑटोमेटिकली एक सेटिंग दिया गया है, तो कॉल रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कांटेक्ट को ब्लॉक लिस्ट जो भी किया है वो उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा। एम आई के डिवाइस में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्कैनर है, कंपास है, एम आई ड्रॉप्स है। एम आई ड्रॉप्स सेम एज अ जेंडर और दूसरे फाइल शेयरिंग काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा है एम आई ड्रॉप। एम आई के डिवाइस में और नया सेटिंग्स आया है जो है स्प्लिट स्क्रीन, मतलब कि आप दो एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो जो स्प्लिट स्क्रीन है। सपोज़ कि मेरे को इंस्टाग्राम भी चलाना है, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी मेरे को यूट्यूब के वीडियोज़ भी देखने हैं और फेसबुक भी चलाना है, तो मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा तो मेरा फेसबुक का इसने पूछा और यहाँ पे मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, नीचे मेरा यूट्यूब चल रहा है, ऊपर मेरा फेसबुक का चल रहा है, तो मैं दोनों एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है एम आई यूज़र्स को, जो कि जिसकी में एम आई यू आई 9 होगा उसी को ये फीचर्स मिलेगा। एम आई यू आई 9 में अपडेट आया है, एम आई यू आई के नीचे वाले वर्जन्स को ये फीचर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक दूसरा नया सेटिंग दिया गया है जो नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो एक्सपांड होगा, और जैसे शॉर्ट आइकन पे जाइए तो आपको जितने भी चाहिए उसको आप ऊपर की तरह ले जा सकते हो जो आपकी नोटिफिकेशन ट्रे में आपको दिखेगा। सपोज कि मुझे यहाँ पे चाहिए लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन को मैंने ऊपर वो कर दिया तो मेरे को यहाँ पे लॉक का दिख जाएगा डायरेक्टली, मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकता हूँ। तो ठीक है देव दोस्तों, ये थे एम आई के फीचर्स के बारे में। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और टेकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।